मैं इसको बोल रहा था कि भाई अभी बनना है ट्रैप, अभी फंसेगा, और इतनी भयंकर तरीके से फॉल किया। तो दोस्तों अभी मेरा दोस्त आ चुका है, अभी अपन ने यहाँ पर खाया हुआ बहुत कुछ, यानी ये था ये वही है जो मेरे साथ दौड़ा करता था। जब मेरे पास खाना खत्म हो जाता था तो मैं इसके रूम पर जाके खाता था। Hey guys, good morning. भाई क्या हाल चाल सभी के, आई होप सब बढ़िया होंगे, मौज काट रहे होंगे। तुम्हारा भाई आज सुबह उठ गया है और मैं उठ के जाता हूँ जिम। शाम को बहुत ज़्यादा देर जिम में रहता हूँ यार, देखते जाता हूँ लोगों को। तो अब मैं सुबह आ रहा हूँ, दो तीन दिन से सुबह गया नहीं था। प्रशांत भाई भी कह रहे हैं भयंकर मेरे को धोखा दे रहा है, तो प्रशांत भाई को धोखा नहीं देंगे और गाड़ी स्टार्ट करके सीधा चल देंगे कहाँ को, जिम को। भाई साहब मेरी गाड़ी हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, ये तो वो हो रहा है मतलब स्प्लेंडर, कहीं भी डाल दो, कहीं भी जा रही है भाई साहब, कोई वही नहीं है यार। पहली गाड़ी अपनी और ऐसी रौंद रखी है, मैंने क्या ही बताऊँ। इसका अल्टरनेट ऑप्शन लेना पड़ेगा, बहुत जल्दी लेंगे। अभी 30,000 तो चली है अभी 5-6 महीनों में, है नहीं। तो अभी चलते हैं जिम, वर्कआउट करते हैं, फिर देखेंगे आज क्या करते हैं मार्केट के अंदर। वैसे आज अपने को आई थी निफ्टी का एक्सपायरी मिलेगा ट्रेड करने को, सो लेट्स सी। तो भाई वजन नापता हूँ पहले, अब देखो मेरा वेट कितना है, 66। दोस्तों अभी अपना जिम हो चुका है, फिलहाल मैं अब जा रहा हूँ घर को, और घर पे अपन अब करेंगे ट्रेड क्योंकि मार्केट होने वाला है ओपन, सो लेट्स गो। पहले नहा धो के बैठूंगा यार, बिना नहाए धोए भयंकर दिन भर फिर पसीने पसीने की स्मेल आती है बॉडी से, और दिक्कत है नहीं। ओके गाइज, यहाँ पर अपना मार्केट ओपन हो चुका है फिलहाल, और मार्केट की ओपनिंग अगर आप देखोगे तो एक चीज़ अपने को देखने को मिली है, जो डाइवर्जन है ये देखो आप, ये यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कॉल का प्रीमियम है, पुट का प्रीमियम है। देखना प्राइस ऊपर गया लेकिन कॉल का प्रीमियम कहीं नहीं गया, ठीक है। और निफ्टी बैंक निफ्टी ने भी फर्स्ट कैंडल ऐसे दी है कि लोगों को बुलिश लग रहा है, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है पहले गिरेगा मार्केट नीचे, फिर देखते हैं। कल गाइस एक पेंडिंग ऑर्डर छोड़े थे, एकदम से निकले ऑर्डर, एकदम से मतलब कई तरीके से मेरे ऑर्डर्स मैंने छोड़े हुए थे, ऑर्डर एकदम से लगे भी। तो ये था वो अपना, ये मैंने यहाँ पर पहले मेरे ऑर्डर्स मिस हुए थे, इस ट्रेड में मेरे ऑर्डर्स मिस हुए थे, यहाँ पर मैंने 20 रुपये के आसपास लगाए थे, ऑर्डर्स मिस हो गए, सब चला गया ऊपर। और इसमें भी देखो, इसमें मैंने यहाँ पर जो सपोर्ट बनना था इस जगह पर ऑर्डर्स लाने की प्लानिंग की थी, सपोर्ट भी लिया अभी मार्केट ने, बट आप देखो एक चीज़ कि यहाँ पर जो हुआ, ये मैंने 15 रुपये भी ऑर्डर मारे थे, 15 रुपये रखे थे कुछ ऑर्डर इसमें, 15 के आसपास मतलब 20 के आसपास कुछ ऑर्डर रखे थे और कुछ 15 रुपये रखे थे, तो दोनों ऑर्डर एक ही कैंडल में पूरे के पूरे मिल गए। फिर उसके बाद ये प्राइस काफ़ी या 15 से 20 के आसपास तक गया, तो अपन एग्जिट कर रहे थे पूरी क्वान्टिटी, कुछ मैंने इसमें एग्जिट कर दिया, लेकिन ये कैंडल वापस से फॉल कर गई, तो अपन का ये जो ट्रेड के अंदर जो प्रॉफिट है वो इतना ही आया, सिर्फ और सिर्फ 7,000। और क्वान्टिटी देखो 35,000 की क्वान्टिटी है, मैंने इसको मतलब एवरेज प्राइस दिखा रहा है मेरे को 17-14 के आसपास, तो 17-35 के आसपास निकल रहा दिखाता है, क्योंकि मैंने आधी क्वांटिटी एक में एग्जिट कर दी थी, आधी एक में, और अपना जो है ये वाला जो कैंडल था। तो एक ऑर्डर छोड़ना भी अपने आप में दिक्कत ही है, नीचे से छोड़ने नीचे चुपचाप ऑर्डर नहीं लगा तो उसको कैंसिल कर दो, जैसे मैंने यहाँ कैंसिल कर दिए थे वहाँ से यहाँ पे करने चाहिए थे, बट लेट्स सी अब कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो दोस्तों अभी यहाँ पर अपने एक SL गया हुआ है, और देखो SL का रीजन दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने सीधी एंट्री बनाई हुई है, इसके लो का SL है, लेकिन प्रीमियम देखो ना, प्रीमियम पूरा नीचे आ गया है, प्रीमियम में SL खा गया मेरा, पता नहीं क्या ही दिक्कत है इसको, मतलब इस कैंडल में निकला हूँ बेसिकली। और मैंने एक पिन पॉइंट एंट्री बनाई थी 20 रुपये के ऑर्डर पर, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट है, मेरे को बहुत अच्छा जोन दिख रहा है, तो एक पिन पॉइंट एंट्री यार देख लो, फिर ऊपर बाइंग एरिया के आसपास आ गया, बहुत मुश्किल है। तो अपना जो धन पे है, अपन एक जो ट्रेड था मैंने आपको दिखाया था, एग्जिट करना पड़ गया, तो अपना जो धन पे है अभी अराउंड 51,000 का लॉस चल रहा है, लेकिन पिन पॉइंट एंट्री अपन ने 0 था, मैं एग्जैक्ट वहीं पे कंफर्मेशन में ट्रेड लेता हूँ, क्योंकि जहाँ पर मेरे को पिन पॉइंट एंट्री देखता है, देखो इसके लो पर पिन पॉइंट एंट्री, सेम इसी स्ट्राइक प्राइस मैंने यहाँ पर लो पर एंट्री, अरे यार बहुत मुश्किल है इस मार्केट में ट्रेड कर पाना, देख रहे हो SL खा के गया है, तो इसमें अपना बन गया, इसमें अभी अपना 50% बन जाता, क्योंकि मैंने इसको 20 पे उठा के 24 में निकाला हुआ है नहीं, 20 पे उठा के 24 में निकाला है, सिर्फ 20% ही बुक किया हुआ है, देखो 31 चल रहा है। तो फाइनली गाइस अपना हो चुका है यहाँ पर, और जिस चीज़ जो मेरे से मिस हुआ वो फाइनली मैंने कैप्चर कर लिया, मतलब पकड़ लिया उस ट्रेड को मैंने जो मेरे से मिस हुआ था, और काफ़ी मतलब सही ट्रेड है। अगर आपको मैं चार्ट लेके चलूँ, एक मिनट में यहाँ पर पहले स्क्रीन लगा देता हूँ, लग जा क्या है, चार्ट बड़ा ग्लिच करता है ना,
तो अगर आप देखोगे तो अपना यहाँ पर जो एक मॉर्निंग है जो मैंने यहाँ पर SL दे दिया था चुपचाप, उसमें ही मैंने 0 में पिन पॉइंट एंट्री बनाई थी, वही मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट दे जाता। बट एट द सेम टाइम ये देखो सपोर्ट एरिया है, यहाँ पर मैंने एक पिन पॉइंट एंट्री यहाँ पर भी बनाई, तो 20 सुबह पर मैंने ऑर्डर मारे थे, 27 सुबह के आसपास निकाला, अभी भी 27-28 चल रहा है प्रीमियम, और दोनों के दोनों ट्रेड मैंने एक 0 में लिया है। आप देखो आपको दिख जाएगा, एक मिनट ये दिखाता हूँ मैं, यहाँ पर देखो चार्ट, चार्ट कह रहा हूँ सॉरी चार्ट नहीं, इसमें क्या दिखाना आपको, इन्फो ना, इन्फो होता है कहाँ होता है, ये लो देखो 3, 4 और 4, मतलब 20 पे उठा के 26-27 के बीच मैंने इसको निकाला था, वहीं धन पे अपना जो प्रॉफिट हो चुका है वही 27-28 चल रहा है, और मैंने यहीं पर निकाला है इसको 20 पे उठा के, और मुझे लग रहा है एक स्पाइक और दे देगा क्योंकि बहुत अच्छे जोन पे है, पर ट्रैप भी कर सकता है तो मैं निकल गया, क्योंकि यहाँ पे ले के होल्ड करना अपने आप में रिस्क है। तो यहाँ पे स्कैल्पिंग वो अपना बन चुका है, और अभी अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे देखो अराउंड 60 मैंने इसको उठाया था 20 पर, 27 के आसपास निकाल चुका, अभी 30-31 चल रहा है, तो अभी अपना स्कैल्प हो चुका है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे से नीचे से मूव मिस हो गया, नीचे से मेरा SL यहाँ पर चला गया था, तो अपना प्रॉफिट यहाँ पर बन गया। तो ये है अभी तक के लिए 60,000 ऑन धन इस, और 0 पर तो इस महीने अभी तक कंटिन्यूस ग्रीन है, कंटिन्यू ग्रीन। तो दोस्तों अपना ट्रेड खत्म हो गया, नहा धो लिया है, और मैं आज क्या खाता हूँ पता है तुम्हें, ये खाता हूँ ये मंगाया इनने बाहर से, क्योंकि आज अपनी आंटी वगैरह कुछ आया नहीं और उनने बनाया नहीं, तो हमें भूखे भूखे तो रह नहीं सकते, इसलिए ये मंगा दिया भाई, ऐसे ही खाना पड़ेगा आज, आज का हमारा खाना रहेगा चीट मील भाई। ये देख रहे हो ये है, मैं इसको बोल रहा था कि भाई अभी बनना है ट्रैप, अभी फंसेगा, और इतनी भयंकर तरीके से फॉल किया, लेकिन अभी प्रीमियम भी देखना, ये 22,300 का पुट ऑप्शन है, ये 40 रुपये के आसपास था, 35 रुपये से 400 का एक स्पाइक मारा वापस से 120 रुपये पर आ गया, और ये कॉल है एट द मनी की, क्योंकि प्राइस अभी हमारा जो निफ्टी का चल रहा था यहाँ पे 22,300, 22,300 से ये 22,000 आ गया, और जो 22,300 की कॉल ऑप्शन है ये भाई, ये सिर्फ यहाँ ये 30 से 20 ही आई, 20 से वापिस 40 चलेगी, ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा, मतलब क्या लगा क्या कहना चाहेंगे आप, कॉल का प्रीमियम क्यों नहीं नीचे आया? अरे इस हिसाब से तो इतने बड़े क्रैश के हिसाब से तो भाई 22,300 से 22,080 आ गया, मतलब ये ऑलमोस्ट 200 पॉइंट गिर गया, तो इसने तो 0 हो जाना चाहिए था, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरे यहाँ पर ट्रेड नहीं थे, मेरे ऑर्डर नहीं लगे थे यहाँ पे, भयंकर चीजें चल रही है, ये कुछ अंदर एल्गो करते हैं भैया, इनके अगर ऑर्डर लगे इनके IP एड्रेस पे इनका ऑर्डर यहाँ चल रहा है, ये तो सरासर गलत है, किसी ने कॉल बेचा होगा ऊपर से 400 पॉइंट हुआ, 300 पॉइंट क्रैश, कॉल का प्रीमियम नहीं गिरा, तो बेचारे सेलर क्या करेंगे, अरे सेलर का तो इसको भी इसमें कुछ हुआ नहीं, इसमें उसने अगर उसने हैच किया होगा, कोई OTM बाय किया होगा, बाय क्या ही बना लिया भाई साहब, तुम मतलब समझ ही नहीं आ रहा मुझे, हो गया था भाई ये देख दो दोस्तों, अभी सारे काम निपटा के मैं फिलहाल मैं निकल रहा हूँ, और बहुत जरूरी काम के लिए जा रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा जरूरी काम, अब जो भी काम क्या है वो आपको पता ही होगा, अभी जैसे इलेक्शन चल रहे हैं, ठीक है, मेन इलेक्शन जो है वो होने वाले हैं, तो अपने इधर कल इलेक्शन है, पापा का 2 बार फोन आ गया था, आ रहा नहीं आ रहा है, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मेरा फ़र्ज बनता है कि मुझे वोट डालना है, यानी और अपन, और अभी मैं जा रहा हूँ घर को, कल अपने वहाँ इलेक्शन है, मैंने अपना आज का ट्रेड वेट ख़त्म कर दिया है, तो अभी घर निकलते हैं और घर जाके वोट दे के आता हूँ, और यहाँ पर लगवा के आता हूँ काला रंग का टीका वोट का, सो लेट्स गो, आज का ट्रेड वेड हो गया, आपने सब लोग देख लिया होगा वीडियो, तो आप देखते होंगे मेरे स्टॉक बनने वाले चैनल पे, तो देख लो, बाकी मैं भी निकलना हूँ घर को, अभी आपको बढ़िया पहाड़ों के नज़ारे दिखाता हूँ। तो फाइनली गाइस मैं निकल चुका हूँ पहाड़ों की तरफ वापस से, गाड़ी चला के काफ़ी दिन हो गए थे इधर पहाड़ों की तरफ नहीं आया, बाहर बाहर ही घूमता था, इधर उधर ही घूमता था, तो अभी अपन निकल चुके हैं गाड़ी लेके बढ़िया तरीके से ऊपर पहाड़ों की तरफ, तो अभी मैं जा रहा हूँ भीमताल होते हुए जाऊँगा, पहले मैं पहुँचूँगा भीमताल, और अभी खाली खाली रोड भी है तो मज़ा आता है चलाने में। तो फाइनल दोस्तों अभी मैं सफ़र करके हाईवे का बढ़िया पहाड़ों का सफ़र करके पहुँच चुका हूँ अल्मोड़ा, और आप देखेंगे यहाँ अपने एक पुराने दोस्त से मैंने मिलना है, क्योंकि वो दोस्त अपना बहुत बढ़िया एक तरीके से जिगरी दोस्त था, लेकिन अपन अपने काम में कहीं ज़्यादा बिजी, वो फिर अपने काम में बिजी है ना, तो ज़्यादा बातचीत नहीं होती, लेकिन वो जो मैं दौड़ता वौड़ता था वो सब करता था, तो अपना एक काफ़ी खास है ना कह सकते हैं बंदा वही हुआ करता है, तो अभी वो आई थिंक पहले आज उससे पूछना है कि काम क्या करता है तू, फिर उसको मैं अपने साथ कुछ काम ऑफर करने की प्लानिंग कर रहा हूँ आज क्योंकि मैंने उसको देखा है, वो बहुत मतलब मेहनती बहुत बंदा है, उसको कुछ भी बोलो किसी भी टाइम बोलो ऑन द स्पॉट पहुँच जाता है, ऑन द स्पॉट चीज़ें कर देता है, मतलब एक बंदा चाहिए होता है ना जो आपको आपके साथ, अगर कोई बंदा आपको चाहिए स्किलफुल बंदे रखने से अच्छा लॉयल बंदे आप अपने साथ रखोगे तो यू विल ग्रो बेटर, एदर देन स्किल क्या होगा ना उसके अंदर, स्किल ज़्यादा अंदर होगी, ज़्यादा कोई आपसे एजुकेटेड बंदा होगा स्किलफुल होगा उसके अंदर एक अलग अकड़ होगी, वो कभी भी ऐसा उनके अंदर वो नहीं रहता, वो
उनका ध्यान उस पर ज़्यादा आता है ना। लेकिन अगर आप अपने साथ ऐसे बंदे रखोगे, अपने ऐसे दोस्त रहोगे, ऐसे साथी रखोगे जो आपके साथ किसी भी सिचुएशन में आपके साथ ईमानदार रहेंगे, देन फॉर श्योर भले ही थोड़ा सा ग्रोथ आपको स्लो मिले, आपको उनको सिखाना पड़े, डांटना पड़े, बताना पड़े, बट आपको कभी भी धोखा नहीं मिलेगा। तो अभी मैं पहुँचा हूँ, अभी देखते हैं जब आएगा मिलूँगा उससे। तो दोस्तों अभी मेरा दोस्त आ चुका है, अभी अपन ने यहाँ पर खाया हुआ है बहुत कुछ, यानी ये था ये वही है जो मेरे साथ दौड़ा करता था। जब मेरे पास खाना ख़त्म हो जाता था तो मैं इसके रूम पर जाके खाता था, यानी और कभी मेरे रूम से बना के ले जाता था जब अपन यहाँ किराए पर रूम लेके रहते थे, या अभी अपनी मम्मी के साथ रहता है। तो अभी मैंने जो मैंने आपको बोला था कि भाई काफ़ी टाइम से वेट करता था अपने दोस्त को अपनी टीम में ऐड करने का, तो मैंने प्रपोजल रखा है। तो क्या कहता है, क्या लग रहा है तुझे, कैसा लगा तुझे प्रपोजल? प्रपोजल तो अच्छा ही है, देखो आगे अभी करते हैं डिस्कस इस चीज़ पे पूरा सोचे, फिर बताते हैं। सोचेगा अभी घर जाके, अभी टाइम लेगा क्योंकि सडन हुआ है इसके साथ एक साल बाद पूरे एक साल बाद, क्योंकि एक साल तक मेरे कोई कॉल मैसेज होगा था अपने बीच में नहीं हुआ था, लेकिन मेरे को चीज़ करनी थी तो मैं आज आया, तो मैंने डिस्कस भी कर लिया। तो भाई अभी मतलब बहुत सारी चीज़ें करता है, 10 तरीके के चीज़ें करता है, मतलब बहुत सारे काम रहते हैं जैसे कुरियर वगैरह डिलीवरी भी वगैरह भी करता है, और उसमें कैमरा वगैरह मैनेज भी करता है, मींस एडिटिंग भी सीख रहा है। शादियों में भी इसके पास बहुत मोटा काम अभी आया हुआ है, प्लस शादियाँ मैनेज कर रहा है क्योंकि सीज़न चला हुआ है, तो शादी मैनेज कर रहा है, तो उसी की वजह से अभी लेट आए, वरना इसको वरना हर जगह टाइम से पहले पहुँच जाता है। आजकल थोड़ा काम में बिजी है तो लेट आया, तो अभी देखते हैं कि मेरे साथ कितना जल्दी आ पाएगा। तो जैसे ही आएगा फिर आपको तो मेरे साथ ही दिख ही जाएगा। तो भाई ये है वही अपना दोस्त बचपन का जिसके साथ हमने इतनी भयंकर तरीके की जितने किसी भी चीज़ के जो फर्स्ट एक्सपीरियंस होते हैं ना, फर्स्ट एक्सपीरियंस किसी भी गलत चीज़ का इसने करवाया है। इसको हम कहते थे हमारे बीच में एक होता ना टिंडर बॉय, जब आप टिंडर पर जाते हो आप क्या करते हो, सर्च करते हो, तो ये हमारे बीच में एक टिंडर बॉय हुआ करता था। ये कोई भी आ रहा होगा या जा रही होगी, कौन है इसके पास पूरी हिस्ट्री होगी इसकी भी तो ये है वो टिंडर बॉय, तो बहुत ज़बरदस्त बंदा है नहीं। तो अभी अपन ने यहाँ पर कुछ खाया पिया है, फिर बाकी ये अपने आप से अपने हिसाब से डिसाइड करता है, बट मैंने डिस्कस इसके साथ कर दिया। तो भाई अभी डिनर वगैरह अपना मतलब मैंने भी खा लिया है, ये तो डिनर अपने खाता नहीं है क्योंकि घर में मम्मी डांटेगी पर अगर बाहर खा के आ जाएगा है नहीं। तो भाई अभी इसको हम बाय बाय कह देते हैं, ये अपनी स्कूटी से जाएगा अभी। तो भाई मिलते हैं तुमसे बहुत जल्दी है नहीं, एक साल बाद मिलके तुझे कैसा लगा? अनएक्सपेक्टेड तो हुआ साथ में पूरा, मतलब सीधे कन्वर्सेशन जो हुई ना एकदम, वो मतलब पूरा डीप वाली कन्वर्सेशन, डीप वाली हुई है। उसमें समझ नहीं आया कि कहां से रॉकेट आया सीधे सामने, है ना, रॉकेट समझ नहीं आया कि कहां से आया, कब तक आया, कैसे आ गए सामने से ऐसे रॉकेट अचानक से। तो भाई हो गया, अभी मेरे को वोट देने जाना है, तू भी देगा कल वोट फिर? हां फिर हां, प्रॉपर वोट देना चाहिए, वोट देना चाहिए सबको, देना चाहिए मुझे क्या, सबको वोट देना चाहिए। तो भाई ने कह दिया सबको देना चाहिए, तो सबको वोट देना चाहिए, और मैं भी कल वोट दूंगा। सिर्फ 18 प्लस वाले, हां 18 प्लस वाले ही देगा भाई, बट वोटर आईडी बना दो टाइम से जिसके नहीं है, बाकी वोट देने जाओ भाई, क्योंकि आपका एक वोट बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है। एक एक वोट से यहाँ हार जीत हो जाती है, तो आप खुद सोचो आपका वोट की वैल्यू क्या है, और उसको समझो तभी वोट दो जो आपको रिस्पॉन्सिबल चीज लगती है, जिस चीज़ की आप मतलब एक वोट पर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई किसने क्या काम किया है, कैसा काम किया है, सोच समझ के वोट करो, लेकिन वोट जरूर करो। भले तुम नोटा दबा दो, क्या नोटा होता है ना, नोटा दबा दो, लेकिन वोट देने पक्का जाओ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, ठीक है? तो भाई अभी भाई यहाँ से भाई को मैं बाय बाय कह देता हूँ, बाकी मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय।